तो क्या फर्जी घोटाले चल रहे हो, नियुक्ति निकालते हैं आप, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं हम दो करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ये तो खुद ही लाडली बहना योजना। अरे मैं आपको बता, सिलेंडर पे आप 900 ले रहे, विकास के नाम पे फर्जी बाड़ा। सरकार बदलती रहेगी तो विकास होगा, ये बात बताओ कि इन्हीं की सरकार है किसको क्या मिलेगी? परिवर्तन होगा। कमलनाथ जी आएंगे, कांग्रेस आएगी, कोई भी आ जाए। जनता की मांग नहीं है ये, एक्चुअली जो है ना सरकार अपने फायदे के लिए यूज कर रही है जी। परिवर्तन के लिए अगर 18 साल से 20 साल में उन्होंने अच्छा काम किया है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। क्या लग रहा है कितनी सीट ले जाएगी? 150+। पहले बयान में कि हम चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। अच्छी बात है, नहीं हमें याद नहीं आएंगे, हमें तो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूँ आपके साथ शिवी अग्रवाल और इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का समय बेहद ही नजदीक है, ऐसे में हम आ चुके हैं आज अशोका गार्डन में और यहाँ की जनता से हम लगातार जान रहे हैं मध्य प्रदेश के माहौल को कि क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार। इसके साथ ही आज 5 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तारीख मतदान का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान किए जाएंगे, इसके साथ ही 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में जो मतदान 17 नवंबर को किए जाएंगे उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो आइए आज जनता से जानते हैं कि क्या मूड लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार। शुरू करते हैं यहाँ से, भैया क्या नाम है आपका? जी मनीष मिश्रा। काम क्या करते हैं? स्टूडेंट। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की रानी सिंह, बीजेपी की। बीजेपी की आएगी, कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस की हम लोगों ने काम वाम नहीं किया है। काम नहीं किया है, आपने मौका कहाँ दिया उनको? पब्लिक ने मौका ही ले लिया। पब्लिक ने इस बार मौका देगी कमलनाथ को? देखिए क्या लग रहा है, आनी चाहिए। आनी चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से बीजेपी की। बीजेपी की आनी चाहिए। अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? शिवराज सिंह जी। और जैसे अभी भाजपा में एक नया नाम जुड़ा है सिंधिया जी का, उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो वो केंद्रीय देख रहे हैं, सेंट्रल का देख रहे हैं, यहाँ जब आएंगे तो देखेंगे। अच्छा, शिवराज मामा को ही मौका देंगे, उनकी वापसी होगी। बिल्कुल, परिवर्तन नहीं चाहिए, काम अच्छा कर रहे हैं शिवराज सिंह। भैया क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? सबकी यही सरकार है मैडम, अब उसको सरकार को किसने देती है कि किसकी आ रही है किसकी नहीं। तो आज तो ऐलान भी हो गया ना मतदान 17 नवंबर होने वाला, समय कितना बचा है, आप किसको सपोर्ट करेंगे आप बताइए? हम तो मैडम हमारी सपोर्ट की नहीं बोलोगे, हम किसको सपोर्ट करेंगे? कौन सी सरकार पसंद है ये बताइए? कांग्रेस की पसंद है। अच्छा, मामा की क्यों नहीं? मामा की क्यों, आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है, कहाँ से क्या समय है, उसको कौन देख रही है? मामा किसी के घर? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी रही है जब तो अपनी लाडली बहनों के लिए तो बहुत कुछ कर रही है। अरे सब बहनों को दे रहे, भाइयों के लिए तो कुछ भी नहीं दे रहे ना। बात भैयाओं की क्या मांग है इस बार? उनसे पूछ लो भाइयों की क्या। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस आएगी? वो तो आना ही 100%। कितनी सीट ले जाएगी? अब वो बाद में डिक्लेयर होगा कि कितनी ले जाएगी। आप सारे कांग्रेस सरकार आए 18 सालों में मामा ने विकास नहीं किया, क्या क्या कर दिया बताओ? महिला सशक्ति। अरे तो महिलाएं को दे दिया, सबने दे दिया, 600 रुपए का गैस सिलेंडर भरता था, आज 1110 में भर गई। भर्ती घोटाला, अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, हमारी लड़की ने खुद एग्जाम दिया, उसमें भी घोटाला। अभी तक वेबसाइट पे डाउनलोड नहीं करा रिजल्ट, ठीक है ना, वहाँ पे बता दिया ट्रिनिटी कॉलेज पे एग्जाम हुआ था, मैं खुद साथ में गया था, तो जिनकी सिफारिश है वो अंदर जा रहे, वहाँ रिजल्ट देख के आ रहे, और कुछ लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया, तो बिल्कुल नौकरियां फर्जी निकाल दी, आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती निकाली, ठीक है ना। अभी तक कितने 6 महीने हो गए फॉर्म डाले आशा कार्यकर्ताओं के, पूरे वार्डों में, केवल 2 वार्ड में नहीं थे, और आज तक नियुक्ति नहीं हुई उनकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां नहीं हुई, तो क्या फर्जी घोटाले चल रहे हो, नियुक्ति निकालते हैं आप, बेरोजगारी बढ़ा रहे, वो कहते हैं हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे, तो ये तो कागजों पे चल रहा सब, और पैसा फेंक रहे, वो तमाशा देख रहे, और गरीबों के लिए कुछ नहीं है,
और यहाँ उद्योगपतियों के लिए 10-10 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ के लिए भी तो आवास योजना। अरे मैं आपको बताऊं, सरकारी योजना मल्टियों पे बना बना दे रहे और ऐसे मकान दे रहे कि 4 दिन बाद टूट जाए, उसी में दब के मर जाए आदमी, तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। महिलाओं को दिए लाडली बहना योजना। अरे मैं आपको बता, सिलेंडर पे आप 900 ले रहे, अभी भी 910 का भराया अभी 4 दिन पहले, तो क्या दे रहे आप? मिला 10 रुपया का भरा है अभी परसों के दिन। हाँ मैडम को घर में उज्ज्वला कार्ड। अरे मैडम के नाम ही सिलेंडर है, मेरे नाम नहीं है। हाँ और मेरे नाम 450 में नहीं मिला, अभी परसों भरा है मैंने 910 का। हाँ कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, कोई लाभ नहीं मिला। अभी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा बिल्कुल होना चाहिए। 18 साल में कोई विकास नहीं, कोई विकास, विकास के नाम पे भरजी बाड़ा, बस सिर्फ दिखावा किया जाता है और बाकी कोई नहीं। लोगों को दिखाते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, बाकी होना कुछ नहीं, नहीं हुआ। और अच्छे विकास कर पाएंगे, देखो 100% करेंगे, हमें यकीन है कि क्योंकि सरकार बदलती रहेगी तो विकास होगा। ये बात बताओ कि इन्हीं की सरकार है, किसको क्या मिलेगी, तो इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। विकास हो पाएगा, सरकार बदली होगा। 18 साल में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। कमलनाथ जी विकास करेंगे, करेंगे। हाँ क्या लग रहा है, विकास हो पाएगा? विकास होगा। किस प्रकार का विकास की बात करें? विकास एक तो जो नवयुवक हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, शिक्षा के लिए उन्नत शिक्षा मिले, एजुकेशन ऐसी हो के बच्चों को रोजगार मिले। ये नहीं कि हम मेहनत, हम मजदूरी करते हैं। अभी बच्चों के लिए जो BSc कर रही है, ठीक है ना, फाइन ईयर, अब आप हम इतनी मजदूरी कर करके उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कॉलेज से लेके हर चीज से लेके फार्म डलवाते हैं, एक फार्म 300-400 से नीचे, सरकार वो फार्म में भी कमा लेती है और बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, तो हम तो मेहनत कर करके तो रोजगार दे रही है ना, स्काई योजना की। अरे फार्म वो भी डला है, सीखो कमाए हुए, हाँ कुछ नहीं हुआ उसका, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। नौकरी नहीं लगी बच्चों, कोई नौकरी वोकरी नहीं है, नौकरी होती तो फिर हम आपको ऐसा बोलते क्यों? हाँ कुछ नहीं है सिर्फ राशन, तो हम तो कह रहे हैं आप जानकारी करा लो, फार्म भी डला है मेरा, मेरी लड़की का, सीखो कमाए योजना का, तो आपने क्यों नहीं उसको लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं, परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए बढ़िया है भैया, क्या लग रहा है इस पर, मध्य प्रदेश में कौन आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में बदलाव है इस बार, जनता सामने आपको जवाब दे रही है, है ना। 18 क्या है बदलाव? मामा जा रहे हैं इस बार, मामा की जितनी योजना निकल रही है अभी। मामा ने एक और चीज कही है अभी कुछ दिन पहले बयान में कि हम चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। अच्छी बात है, नहीं हमें याद नहीं आएंगे, हमें तो नहीं। 1800 में कोई विकास नहीं, आज तक हमारे बाढ़ में और बाढ़ नंबर 37 में जहाँ की हेमराज कुशवाहा है पार्षद, आज तक गली में नहीं आए, जीतने के बाद आज कोई रोड नाली कुछ नहीं, काम नहीं है, जीरो, भाई गली में नहीं आते हैं, ना विधायक आते ना पार्षद आते, कोई है ना, जो विधायक कहते ना विकास, नरेला का विकास नहीं, हमारे इधर कोई विकास नहीं, नरेला में भी विकास नहीं, हमारे इधर नहीं है कोई विकास। प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में विकास है, ठीक है 50% है विकास मानते हैं, 18 साल में है, 18 साल बहुत होते हैं, पर रोजगार जीरो है, किसको रोजगार मिल रहा बताओ? सरकार ने स्काई योजना की है। हाँ उसमें बच्चों को मिला होगा पर हमारे बच्चों को कोई लाभ नहीं है, नहीं नहीं, नहीं हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में। हाँ महिलाओं को मिल रहा है बिल्कुल। हाँ गैस सिलेंडर कितने में आया? अभी 910 का आया, 450 में बोला था, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी आया हमारे पास 8 दिन पहले। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, कमलनाथ जी आएंगे, कांग्रेस कोई भी आ जाए। अगला मुख्यमंत्री कैसे देखना चाहेंगे आप? अभी अपन नहीं कह सकते किसको पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, नहीं अभी हम किसी का नाम नहीं बता सकते। चेहरा बदलना चाहिए कि नाम होना चाहिए, चेहरा कोई भी आ जाए, चेहरे से कोई भी। मेरा मैडम यही कहना है कि एक्चुअली जितनी भी योजनाएं चल रही थी पहले तो ये बंद कराई जाए। अच्छा। जी क्या है कि इसमें है जो पब्लिक, आम पब्लिक है ना, जिसका गलत फायदा उठा रही है, क्या है प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है इसमें, बस मेरा यही मानना है कि पहले तो ये जो फालतू की जो मतलब ये छोटी छोटी योजनाएं जो दे रही है गवर्नमेंट, जो अपंग कर रही है इंसानों को, पहले इनको बंद किया जाए, क्योंकि अपने दम पे आदमी जो काम करता है ना वो ही सक्सेस हो सकता है। योजनाएं तो जनता की मांग
जनता की मांग नहीं है ये, एक्चुअली जो है ना सरकार अपने फायदे के लिए ये यूज कर रही है जी। किसकी सरकार आनी चाहिए सरकार 50-50 का रेशो है, अब बाकी आने वाले टाइम में जो भी मतलब अच्छा। मतदान की दिनांक भी आ गई, 17 नवंबर को मतदान होगी इस बार। फाइट रहेगी मैडम, फाइट कड़ाके की फाइट रहेगी है ना। अभी तक कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते फाइट रहेगी है ना। और लास्ट वक्त में देखिए कौन बाजी मारता है वो तो पब्लिक। अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री मैं तो चाहता हूँ बीजेपी की सरकार बने, हाँ, लेकिन शिवराज को चेंज किया जाए, चेहरा दूसरा चाहिए। अभी एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं सिंधिया जी का, क्या कहना है? सिंधिया जी अगर आते तो बेस्ट है। अच्छा है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में आने के बाद इतना बड़ा पद देना सही नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है उस लायक है, उनने किया है, उस लेवल पे काम किया है, सांसद भी रहे, ऐसा नहीं है, काफी कुछ। नया चेहरा चाहिए, बिल्कुल नया चेहरा चाहिए, चाहिए बीजेपी लेकिन नया चेहरा नया चाहिए। भैया क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके, क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरे में मतलब मैं वोट ही नहीं डालता तो मुझे वोट नहीं डालते। अभी इस बार वोट डालेंगे, हो सकता है। वोटर आईडी है आपकी? अभी नहीं बनी ना, हमें अभी 18 का। आप किसको किसका चाहते, कौन सी सरकार? मैं जो अभी चल रही मोदी सरकार बननी चाहिए। बीजेपी से संतुष्ट है? हाँ। काम कैसा लगता है मामा का? अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अभी तो मुझे मेरा वोटर आईडी नहीं बनी तो अभी तो मेरे घर में जो 1000 रुपए है, मम्मी महिलाओं को आए हैं कोई? हाँ मम्मी को आते हैं। भैया क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर? मध्य प्रदेश में मैडम बीजेपी की स्थिति बेटर है, बीजेपी अच्छी लग रही है, परिवर्तन नहीं चाहिए? नहीं परिवर्तन करने के लिए, अगर 18 साल में 20 साल में उन्होंने अच्छा काम किया है तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लोगों अच्छा लगा, क्या विकास देखने मिला है 18 सालों? लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त प्रॉपर रूप से मिल रही हैं। जैसे अपन नरेला विधानसभा में बैठे हुए हैं, नरेला विधानसभा की बात कर लें, 2007 में ये विधानसभा परिसीमन में आई थी, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, पीने का पानी नहीं था, लोग 12-12 बजे रात तक पानी के लिए इंतजार करते थे, है ना। नर्मदा पाइपलाइन से जो माननीय विश्वास भैया ने जो काम कराया है, गवर्नमेंट ने जो काम कराया है, आज घरों में पानी व्यवस्थित रूप से आ रहा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की, सड़कों की, सब व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया काम। परिवर्तन नहीं चाहिए इस बार? नहीं परिवर्तन, देखो पहले अपन बात करते हैं कि काम अच्छा लगा है, अगर काम अच्छा नहीं लगता तो 20 साल से लगातार सरकार कैसे रहती? 20 साल तक सरकार लगातार, पिछले बार तो कांग्रेस आ गई थी ना? नहीं कांग्रेस सरकार आ गई थी लेकिन परसेंटेज वोट के हिसाब से अगर देखो तो बीजेपी के परसेंटेज वोट ज्यादा था। क्या लग रहा है कितनी सीट ले जाएगी? 150+।